नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उनके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। डे तूफान, जेबी तूफान, फ्लोरेंस तूफान, मांकुत तूफान। तो ये डे तूफान ये भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में आया, और जेबी तूफान ये हाल ही में जापान में आया, फ्लोरेंस तूफान ये अमेरिका के पूर्वी तट पर, और मांगखुत तूफान ये चाइना में आया। ये फिलीपींस में, पहले फिलीपींस में आया था, उसके बाद ये चाइना में दस्तक किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज ओलंपियाड 2018 जो जॉर्जिया में चल रही है, उसमें भारत की पहली नेत्रहीन महिला भाग ले रही है, उसका क्या नाम है, वो किस राज्य से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर है वैशाली नरेंद्र सालवकर, और ये महाराष्ट्र से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 62वां सम्मेलन हुआ, जो 17 सितंबर से 21 सितंबर 2018 के बीच हुआ, ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ है वियना में, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका मुख्यालय भी वियना में ही है। अगला क्वेश्चन है, काकाडू अभ्यास 2018 जो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, इसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज भाग लिया, या भारत की तरफ से कौन सा नौसैनिक जहाज भाग लिया? तो इसका राइट आंसर है INS सह्याद्री। और दोस्तों ये INS सह्याद्री ये मलाबार अभ्यास 2018 जो गुआम में हुआ उसमें, और रिमपेक अभ्यास 2018 हवाई में हुआ, इसमें भाग लिया, मतलब INS सह्याद्री इनमें भी भाग लिया। और मलाबार अभ्यास 2018 गुआम में ये US, जापान और भारत इन तीनों के बीच एक्सरसाइज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने देश के 100वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है और किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका नाम है पांकयोंग, और ये सिक्किम से संबंधित है, क्योंकि सिक्किम पूर्वी उत्तर राज्य, इनके जो नाम है ना ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं दोस्तों। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, पांकयोंग सिक्किम में, और ये सिक्किम का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जस्टिस ओम प्रकाश मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, मालदीव के नव निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि ये हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, ये इब्राहिम मोहम्मद सोली है, और ये बहुत चर्चा में रहे हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए US ओपन 2018 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में US ओपन 2018 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, जो 18 अगस्त 2018 को हुआ है, ये मॉरिशस में हुआ है, और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, और दोस्तों इसकी थीम थी हिंदी विश्व भारतीय संस्कृति, और पहला ही विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में भारत में नागपुर में हुआ था, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ये कंफ्यूज मत करना, इसको याद रखना, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और हिंदी ये विश्व की तीसरी बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और सबसे ज़्यादा चाइनीज बोली जाती है एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंग्लिश, और तीसरे नंबर पे हिंदी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नव निर्वाचित BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों BCCI के हाल ही में निर्वाचित हुए ये हैं CK खन्ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 17वां अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये 17वां अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन ये कनाडा के वैंकूवर में हुआ है, और ये 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच आयोजित किया गया। इसमें भारत की तरफ से मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने करी है, यहाँ सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है? तो दोस्तों ये है गुजरात ने, गुजरात ने पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2018 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किससे चुना गया है? ये लुका मॉड्रिक जो क्रोशिया से हैं इनको चुना गया है।
ये बेस्ट फुटबॉलर होता है जिसको हर साल चुना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, जिसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया, इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है, आपका बैंक आपके द्वार। और दोस्तों, इसमें क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं है और इसमें 1 लाख तक जमा करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखवार परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेट के हिसाब से भी, स्टेट के हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और देखो, इसमें लखवार परियोजना से संबंधित 6 राज्यों से संबंधित है, इसमें एक राज्य है जो इससे संबंधित नहीं है। ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, गुजरात से संबंधित नहीं है। और ये परियोजना यमुना नदी पर उत्तराखंड में बनाई जा रही है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 कहाँ आयोजित किए गए? तो एशियाई खेल 2018 ये जकार्ता और प्लेमबंग इंडोनेशिया में आयोजित किए गए। और इस मेडलिस्ट में, यानी एशियाई गेम में, सबसे ज़्यादा जो पदक जीते वो चाइना ने नंबर 1 पर, और भारत का नंबर 8वां रहा, 8वें नंबर पर भारत रहा। अगला क्वेश्चन है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें बांधवगढ़ जो टाइगर अभयारण्य है मध्य प्रदेश में, वहां से एक टाइगर का ट्रांसफर किया गया है सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व यह है उड़ीसा में। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2018 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों, एशिया कप 2018 ये दुबई में आयोजित हुआ, और ये एशिया कप है क्रिकेट से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एशिया कप का संबंध है तो क्रिकेट से। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, और कमेंट में डिसलाइक का कारण भी बताएं। थैंक यू दोस्तों।